हे व्हाट्सअप एवरीवन, केम छो? तो मेरा नाम है इनोसेंट न्यूज़ पे गाइस, और आज भी मेरे पास यूट्यूब के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है गाइस। तो चलो आज की पहली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस फर्स्ट ऑल हम बात करने वाले हैं आईपीएल के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, कल आईपीएल का फाइनल था सीएसके वर्सेस जीटी, मतलब गुजरात टाइटंस के बीच में गाइस, और वहां पे सीएसके ने जीटी को हरा दिया। तो गाइस साथ ही साथ उन्होंने 5 आईपीएल की ट्रॉफी भी जीत ली। इससे पहले सिर्फ एमआई ने 5 ट्रॉफियां जीती थी आईपीएल की गाइस, बट यहां पे अब सीएसके वर्सेस एमआई दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं। क्या लगता है नेक्स्ट ईयर कौन ज्यादा 6 ट्रॉफी जीतेगा गाइस? ये ना एमएस धोनी, ये साल का उनका मतलब इस साल वो रिटायर होने वाले थे गाइस, बट उन्होंने ना कुछ कंडीशन दिए कि आगे भी वो खेल सकते हैं, अगर उनकी बॉडी मतलब आगे वेल मेंटेन रहेगी तो वो नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू करेंगे आईपीएल को गाइस। तो गाइस चलो अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं गाइस। क्या थारा भाई जोगिंदर रोडीज में आ रहे गाइस? मुझे ना कुछ क्लिप मिली, पहले वो देख लो, मतलब वो पंजा लड़ा रहे किसी के साथ। तो गाइस ये अभी तक सिलेक्शन ही चल रहा है गाइस, सो आई होप थारा भाई जोगिंदर का भी सिलेक्शन हो जाए गाइस। हमको बहुत ज्यादा मजा आएगा उनको देखने में गाइस। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। तो चलो अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस आमिर माजिद और आर्या माजिद को तो आप जानते होंगे, जो आमिर माजिद की गर्लफ्रेंड। तो गाइस आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि यार वो दोनों एक साथ क्यों नहीं दिखते हैं। तो रिसेंटली ना आयरा माजिद ने ना अपने व्लॉग में दिखाया कि वो आमिर माजिद के साथ ना बैठ के खाना खा रहे हैं गाइस, आप खुद ही देखो गाइस, देख पा रहे हो? तो आमिर माजिद की बात कर रही है, तो गाइस उनके रिलेटेड ना एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उनको कुछ लोग मिलकर मार रहे हैं गाइस। आप पहले वो क्लिप देख लो, फिर आगे हम बात करते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। तो गाइस आपका क्या कहना है इस टॉपिक के रिलेटेड, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। तो चलो अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैंने पारस छखरा वर्सेस स्नेहा सचदेव की ना कंट्रोवर्सी आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करी थी गाइस। तो आज ना स्नेहा सचदेव ने आज के वीडियो में ना कुछ एलिगेशन लगाए पारस छखरा के ऊपर, उनके ऊपर रिएक्ट करते हुए पारस छखरा ने ना इंस्टाग्राम पर कुछ ये वाली स्टोरी लगाई। पहला भी स्टोरी देख लो गाइस। मैडम जी ने वीडियो डाली है, तो मैं आपको बता दूं जवाब हम देंगे, बिल्कुल देंगे। और इसको भी जो तोड़ मरोड़ के जो चीजों को पेश किया गया और कुछ बोला गया कि हाँ भाई फ्लैट फ्लैट पे बुलाता था जो लड़की है ना, इसकी मैं सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसके फेस के साथ दिखाऊंगा। इसने जो भी इसको कॉन्टेक्ट किया स्नेहा को, सब दिखाऊंगा, पूरी इसकी ऑडियो वीडियो सब दिखाऊंगा और इसका फेस भी दिखाऊंगा। ये सपना सिर्फ सिर्फ सियानी बन रही है, क्योंकि इसके मैसेज और कॉल्स बहुत आते थे लड़की के मेरे पास, बहुत। मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, तो इस वजह से इसने क्या करा कि हाँ भाई पारा सब तू गया, अब तूने मेरे से बात नहीं करी थी ना, अब तू गया। तो ऐसी वाली चीजें होने वाली है। बस इतना बोलना चाहूंगा कि परवरिश अच्छी हो लड़की की तब करना, अगर ऐसे घर में कहीं शादी कर ली ना भाई बर्बाद कर देगी तुमको। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आ रहे, डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेनाइजर, क्या थी और कहाँ आ गए, 1.5 करोड़ दे दो, ये दे दो। भाई साहब 20-20 रुपए में चाय पीते थे हम साथ बैठ के, आज ये 1.5 करोड़ मांगने आ गई। तो बस ठीक है, अभी आएगी वीडियो अपनी, तो बी रेडी गाइज। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना। अगर आपके पास भी YouTube के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो आप मुझे जरूर बताना गाइस, Instagram पर भी बता सकते हो और YouTube के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो गाइस। बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में गाइस।